स्वागत है, देखते हैं आज की बड़ी खबर। बैको बदमाश ने दिल्ली के जिम में अंधाधुन की फायरिंग, 6 साल के बच्चे की मौत। वेस्ट दिल्ली का इंद्रपुरी इलाका बीती रात गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। 4 युवकों ने यहाँ स्थित एक जिम में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और पत्थर भी फेंके। घटना में एक बच्चे की दुखद मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक मनीष नाम के युवक का इंद्रपुरी में जिम है। देर शाम करीब 8 बजे मनीष अपने साथियों के साथ जिम में बैठा हुआ था। इसी दौरान वहां 4 युवक आए और पथराव के साथ गोलीबारी शुरू कर दी। गोली पास के एक मकान से नीचे झांक रहे बच्चे को जा लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। बदमाशों ने भागते समय जिम मालिक के भाई महेंद्र को भी गोली मारी, जो उसके कमर में जा लगी। RML अस्पताल में उसका इलाज जारी है। कुछ देर दहशत मचाने के बाद बदमाश फरार हो गए। जिम मालिक मनीष ने बताया कि वो चारों बदमाशों को जानता है। युवक ने 3 बदमाशों के नाम भी बताए। आरोपियों के नाम सुनील, राजू और विशाल है। मनीष का कहना है कि इस हमले के पीछे विजय नाम के शख्स का हाथ है। मनीष ने बताया कि पुरानी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। मामले की गहराई से तफ्तीश की जा रही है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MS News Live की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MS India ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।